गाइस मैंने स्टफिंग कर ली है और इसको डीप करना है एंड डीप करना है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग ठीक होंगे। और अभी जो है नाइट के 11:30 हो रहे हैं और मैं इस टाइम पे जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा बनाने। एक्चुअली कल का जो शेड्यूल है मुझे खांसी हो रखा है ना मुझे खांसी हो रखा है इसलिए प्रॉपरली एक बार मैं बोल नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली कल का जो शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आज मैं सुबह से ही सोच रही बट टाइम नहीं मिल पाया है। तो अभी टाइम मिल रहा है तो मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट जो है किचन क्लीन कर रही है। अभी सब लोग खाना पीने खा के सो गया है, बस हम ही दोनों जगह पूरे घर में। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और आगे की प्रिपरेशन क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें आप डाल के ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे कि टेस्टी बनेगा, उस सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है, एकदम मार्केट जैसे बनता है ब्रेड पकौड़ा। तो आप एक एक चीज़ को फॉलो किया है और चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सुबह कुछ तो सुबह बारी की डिटेल में लेना ठीक है भैया। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, टू स्पून जो है लगभग आपको ऑयल लेना है। तो मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल हीट हो गई है। ऑयल के अंदर हम डाल देंगे जीरा, देखिए जीरा चटकने लग गया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्का सा हींग, ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट और साथ ही ऐड करेंगे हम हरी मिर्च कटी हुई, इसको जो है हमें फ्राई करना है। इसे जो है थोड़ा कच्चा ही रखना है, थोड़ा इसका ये जो थोड़ा कच्चा रहता है ना तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको। तब तक यहाँ पे मैं आलू को हल्का हल्का मैश कर दे रही हूँ। करना है हल्का हल्का इसको मैश करना है बस। और हमारा जो है अदरक अदरक मिर्ची का जो पेस्ट है ये रेडी हो गया। सबसे पहले तो फ्राई मिर्ची देखिए एक मज़ेदार लगता है डालने में ना बस बन ब्रेड पकौड़ा बन गया, स्टफिंग बनी है ना, सब हो गया। चल पलटा भी बोल रहे बस कर तू अब बस। मैं मुझे तो देखने दे, यहाँ पे देखिए स्टफिंग जो है मैंने रेडी कर ली है। अब हम रेडी करने जा रहे हैं इसका लिक्विड यानी कि बेसन का घोल। तो इसके लिए मैंने ले लिया कटोरी और पहले मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बेकिंग। और इसी के साथ ऐड करूँगी मैं अजवाइन। तो मेरे पास तो ये जो अजवाइन है ना ये भुन के पाउडर फॉर्म में है ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़े से जो है ना वो मिक्स हो गई हैं मंगरेल यानी कि कलौंजी, तो इसलिए मैं इसको टोटली ऐसे ही ऐड कर ले रही हूँ। आपके पास ओनली अजवाइन है तो वो ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने ले लिया अजवाइन का पाउडर और अब मैं ले रही हूँ नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं पहले नमक डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी क्वान्टिटी में बनाना है, तो नमक का आइडिया है मुझे, तो मैंने नमक ले लिया। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन यानी कि और चना का आटा।
ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया बेसन। टू स्पून जो है इनफ है बेसन। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलर के लिए हल्की सी हल्दी, जिससे जो। और गाइस मैं यहाँ पे ब्रेड को पहले कट कर ले रही हूँ, जब तक यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जो मैंने इसका पेस्ट रेडी किया है, ये जब तक जो है फुल के इसके जितने भी लम्प से मेल्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आलू जो है ठंडा हो रहा है, जब तक जितना हमें ब्रेड बनाना है ना कट करके हम इसको रख ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए कितने ब्रेड बनने वाले हैं, आप लोग आइडिया लगा लीजिए। और यहाँ पे मैं ब्रेड को अभी कट कर रही हूँ। मजा नहीं आ रहा ना, कैसे देखो ऐसे रहने देते हैं ना। नहीं अच्छा भी हो रहा है। तब तक हम जो है सारे ब्रेड को फिल कर लेंगे आलू की हेल्प से। गाइस मैंने स्टफिंग कर ली है और अब मैं इसको तलूंगी वन बाय वन करके। तो पहले हमें इसको अच्छे से जो है ना आपस में पुश कर देना है थोड़ा सा, और इसको डीप करना है। एंड डीप करने के बाद तीन डल जाएगा क्या बात? नहीं बे, हाँ तीसरा कहाँ डालेगी? क्या बोलती है? नहीं यार, एक बार ही आ जाएगा बहन, मतलब कि नॉर्मल कैमरे से ज़्यादा अच्छा है।